अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? हमारे सभी देखने वालों को, चाहे वो इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, या यूरोप में किसी भी कंट्री से हो, फ्रांस से, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, हमारे हर व्यूअर को हम अपने चैनल कलरफुल बर्ड्स के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ अब्दुल्ला भाई हैं और हम इनकी छत पे हम लोगों ने विज़िट किया है। हमारी कलरफुल बर्ड्स की टीम में हम अब्दुल्ला भाई से पूछेंगे आज बहुत सी बातें कबूतरों के बारे में, और इनके बारे में हम टिप्स भी लेंगे इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जान, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है? जैफा भाई, हमारे उस्ताद के बेटे हैं। अच्छा, उस्ताद के बेटे आपके। सो व्यूअर, आज हमारे साथ अब्दुल्ला भाई के उस्ताद के बेटे भी हैं, उजैफा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब्दुल्ला भाई, आपके पास ये कितने कबूतर हैं जो इस वक्त आप लड़वाने के लिए उड़ा रहे हैं? ये तकरीबन 70 के करीब है। 70 के करीब कबूतर हैं? तकरीबन 65-70 है ये। सही। तो आप ये जो उड़ाते हैं इनको सुबह में उड़ाते हैं? सुबह वाले अलग हैं, शाम वाले अलग हैं। अच्छा, सही। सो व्यूअर, आपने देखा कि अब्दुल्ला भाई के पास दो टोलियां हैं, जो एक वो सुबह में उड़ाते हैं और एक शाम में उड़ाते हैं। तो आज आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम अब्दुल्ला भाई से बहुत सी टिप्स भी लेंगे और आपकी जो जो फरमाइशें हैं हम वो इसके अंदर सब इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। चलें, ठीक है अब्दुल्ला भाई, फिर आप इंशाल्लाह शुरू करें। अभी आपको लड़वा के भी दिखाएंगे कि कबूतरों को किस तरह से उड़ाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलें। शुक्रिया। तो व्यूअर, इस वक्त अब्दुल्ला भाई की टोली खुल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अब्दुल्ला भाई के कबूतर हैं और हम लोग अब्दुल्ला भाई की छत के ऊपर हैं। ये देखें इनके पास माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त घाघरे और लालबन और ये सारे कबूतर हैं। ये देखें व्यूअर्स, अभी फाइट भी होगी इनके कबूतरों की, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि अब्दुल्ला भाई किस तरह से कबूतरों को उड़ाएंगे और किस तरह से इनकी फ़ाइट होगी। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे साथ आप सबके फेवरेट अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं आज, और हम इन्हीं की छत पर हैं। हमारे व्यूवर्स की फरमाइश के ऊपर आज हम इनकी छत पर आए हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, कबूतर कितने खूबसूरत हैं और इनका साइज़ कितना ज़बरदस्त है। माशाल्लाह से अच्छे जानदार खूबसूरत कबूतर हैं। कलरफुल बर्ड्स की टीम इस वक्त कराची पाकिस्तान में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये इनके कबूतर हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये कबूतर इनके उड़ रहे हैं। वो सामने एक और टोली है जिसके अंदर ये जाएंगे। ये देखें व्यूअर, दोनों टोलियां अपने साथ, ये और ये दोनों टोलियां लड़ चुकी हैं इस वक्त। जैसा कि आपने देखा कि दोनों टोलियां लड़ चुकी हैं और ये आधे कबूतर उधर कट गए और ये अब्दुल्ला भाई के कबूतर यहाँ पर आए हैं। ये देखें, ये देखें, कुछ कबूतर पीछे से निकल के आ रहे हैं। ये एक कबूतर आके उतर चुका है, बाकी ये उड़ रहे हैं। ये कबूतर आ गए अब्दुल्ला भाई के। ये देखें एक कबूतर, ये बाद में निकल कर आया है, जो अभी आके कूदा है।
ये देखिए व्यूअर्स, दो कबूतर जो फाइट में रह गए थे, ये जो ऊपर उड़ा ये भी वापस आ रहा है। ये देखें, ये इस तरह से आते हैं, ये वापसी आए हैं कबूतर जो लड़ाई में साथ गए थे। अभी ये अब अब्दुल्ला भाई बैठ के अपने कबूतर देख रहे हैं कि इनका कोई कबूतर रह तो नहीं गया, क्योंकि जब कबूतरों की फाइट होती है तो फिर बहुत सारे कबूतर होते हैं जाके दूसरी टोली के साथ लड़ते हैं, और जब वापस आते हैं तो फिर उन्हें देखना पड़ता है कि कोई नया कबूतर आया है या कोई कबूतर गया या नहीं गया। इसलिए अब ये कबूतरों को देख रहे हैं। कुछ ऊपर बैठे हुए उनको भी देख रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, कोई कबूतर आया नहीं उनका? सही सही। सो व्यूअर, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें व्यूअर, उनके कबूतर दोबारा उड़ा दिए गए हैं। सामने एक टोली उड़ी है, जे एन की टोली जा रही है फाइट करने के लिए। ये गए और ये फाइट हो गई है व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं मूवी के अंदर फाइट हो चुकी है। ये अब्दुल्ला भाई के कबूतर इस साइड आ गए हैं। तो व्यूअर, आप देख रहे हैं किस तरह से कबूतरों को उड़ाया जा रहा है। एक दफा फाइट हो चुकी है लेकिन फिर दोबारा भेजा है कबूतरों को, और आप देख सकते हैं कितनी दूर तक जा रहे हैं इनके कबूतर। ये एक टोली अलग से बंद है। ये देखें व्यूअर्स, दोबारा फाइट हो गई है, दोनों टोलियां दोबारा मिल गई। हालांकि एक दफा पहले मिल चुकी थी लेकिन उन्होंने दोबारा फाइट कराई है उसकी, और अब देखें कितना लंबा लश्कर आ रहा है। ये इन्होंने बुलाया अब्दुल्ला भाई ने कबूतरों को नीचे, ये देखें व्यूअर्स, ये उतर रहे हैं अब कबूतर नीचे। इस तरह दाना लेके बैठना पड़ता है। ये देखिए व्यूअर्स, ये आ गए। अब्दुल्ला भाई, मुझसे डर रहे क्या? ये मुझसे डर रहे? तो मैं कहाँ पर आऊँ? व्यूअर, ऐसा है जब हम किसी की छत पे जाते हैं तो कबूतर जो है ना नए बंदे से डरते हैं। अब जिस तरह से हमारी कलरफुल बर्ड्स की टीम आज इनकी छत पर है, तो इनके कबूतर थोड़ा सा हमसे डर रहे हैं, हमारे कैमरों से और हमसे। ये देखें व्यूअर, इस तरह से भी कबूतर जब नीचे आ जाते हैं तो वो देखें, कौवे ने उड़ा दिया। Thank you.
ये देखें व्यूअर्स, ये टोली दोबारा जा रही है फाइट करने के लिए। वो आगे एक दूसरी टोली उड़ रही है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में। बहुत दूर जाके ये टोली लड़ चुकी है इस वक्त। ये देखें व्यूअर्स, हर उड़ान पे फाइट हो रही है माशाल्लाह से। हर उड़ान पे कबूतर जाके लग रहे हैं और फाइट हो रही है। ये देखें व्यूअर्स, इनको दाना दिया जा रहा है। ये देखें व्यूअर्स, इन्होंने बोला कि कोई कबूतर लगा हुआ है इनके साथ, जो गया गंडेदार। ये आ गए व्यूअर्स कबूतर। व्यूअर्स, उस वक्त कोई कबूतर नहीं लगा हुआ था, अब ये दोबारा उड़ा दिए गए कबूतर। ये देखिए व्यूअर्स, ये जा रहे हैं कबूतर फाइट करने के लिए, और ये जा चुके हैं कबूतर। शोर नहीं, शोर नहीं, शोर का काम। अब्दुल भाई बना ले। सो व्यूअर देखें, इस वक्त तो टोली वहाँ पर गई हुई है, और ये इस तरह से अब्दुल्ला भाई की छत है पूरी। ये देखें, अब्दुल्ला भाई और उनके उस्ताद के बेटे उनके साथ हैं इस वक्त, और ये इस तरह से यहाँ पर कबूतरों को उड़ाया जा रहा है। अब वो टोली उनकी वापस आ रही है, तो हम साइड पर हो जाते हैं क्योंकि ये लोग हमसे डर रहे हैं। ये देखें व्यूअर, फिर गई टोली। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, कैसी सीधी जाती है टोली। व्यूअर्स, आप लोगों के कबूतर बहुत प्रॉब्लम करते होंगे लड़ाई करने के लिए, गोल गोल घूमते होंगे, लेकिन ये देखें किस तरह से इन्होंने अब्दुल्ला भाई ने ट्रेन किए हैं, इनके कबूतर सीधे जाते हैं। होप आपको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के, कराची पाकिस्तान में किस तरह से कबूतरों को उड़ाया जाता है, रखा जाता है। देखा व्यूअर्स आपने, कितने थोड़े से बच गए हैं लड़ते लड़ते। अब्दुल्ला भाई ने दो दफ़ा पहले भेजे थे, और ये तीसरी दफ़ा फिर भेजे फाइट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह से आप लोग अपने कबूतरों को भेजें।
लेकिन तीसरी बार भी जाने के बाद भी फाइट नहीं हो सकी। तो अभी बिठाएंगे इन्हें। ये कबूतर शायद प्रॉब्लम कर रहा था जो अब्दुल्ला भाई ने पकड़ा। अब्दुल्ला भाई इसको क्यों पकड़ा आपने? ये कोई तकलीफ में लोग। अच्छा, तो इधर आपने देखा कि अब्दुल्ला भाई को इनकी इसके उड़ने से पता चल गया कि इस पर कोई प्रॉब्लम है। ये गले ना बनाया बस। इसके गले में कोई तकलीफ नहीं। सही, तो आपने देखा, एक्सपीरियंस ये होता है कि कबूतर उड़ता है तो फिर पता चल जाता है, जैसे अब्दुल्ला भाई को पता चला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें ये आप बता रहे थे आपके घर के पट्टे हैं ज़्यादातर? इसमें सही। तो व्यूअर आप देख रहे हैं जो टोली उड़ली अब्दुल्ला भाई की है, इसमें इनके घर के पट्टे हैं काफ़ी, जो इनके घर पे ब्रीड हुई है कबूतरों की, उसके बेबीज हैं, होम ब्रीड बेबीज ऑफ वाइटिंग। जी सही। तो व्यूअर ये जो लालबन टाइप के हैं तकरीबन सारे इनके घर के पट्टे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर हैं। ये देख रहे हैं व्यूअर किस तरह से बैठे हुए गूंज रहे हैं दीवारों पे। ये देखें व्यूअर अब्दुल्ला भाई के कबूतरों में भी एक काबली कबूतर है। टोली के कबूतरों में काबली कबूतर भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, बाकी आप देख सकते हैं इनके कबूतर हैं कितने खूबसूरत। आपको वीडियो में बच्चों की भी आवाज़ें आ रही होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आप एंड तक वॉच करिएगा, इस वीडियो में हम आपको सब दिखाएंगे और टिप्स भी बताएंगे आपको कबूतरों के बारे में, उनके ब्रीडिंग पेयर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। कौन ये जो है इसका क्या नाम है? देसी कबूतर है। व्यूअर ये कबूतर है सिंगल, ये आज फर्स्ट डे लड़ा है फाइट में और माशाल्लाह से सही चल रहा है। देखें आप उसको, इन्होंने रिंग भी अलग कलर के बनाए हुए हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे लड़ा है, बाकी सब कबूतरों के रिंग डिफरेंट है। ये देखें वो देखें व्यूअर पीछे भी कबूतर, अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी बता देंगे कि ये टोली के अंदर मादियाँ कितनी होनी चाहिए और मेल कितने होने, नर फीमेल्स कितनी होनी चाहिए, मेल कितने होने चाहिए? कोई तो बिल्कुल लगता भी नहीं है। अच्छा, कोई खाली मादियाँ ही उड़ाता है। अच्छा, ऐसे भी हैं, हमारे दोस्त है। सही, टोटल मादियाँ ही उड़ाता है। सही, सो डिपेंड कर, मेरे पास से लेके गया वो गर्दान मादियाँ मेरी बहुत सारी लेके गया। सही, तो डिपेंड करता है कि आप जस्ट फीमेल रखें या मेल उड़ाएं। बीच में होनी चाहिए, दो चार आठ मादियाँ होनी चाहिए। सही, लाइक सही, 50 कबूतरों में कितनी मादियाँ होनी चाहिए? कम से कम 50 कबूतरों में कोई 7-8 मादियाँ होनी चाहिए। सही। सो व्यूअर आप लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि कितने मेल और फीमेल होने चाहिए टोली में, जैसा कि आपको आपने सही, तो जैसा कि आपने देखा अब्दुल्ला भाई ने आपको बताया कि 50 कबूतरों में कम से कम 8 या 10 मादियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होंगी तो मेल फिर ख़राब होते हैं उससे, और बास लोग अब्दुल्ला भाई ने बताया कि बिल्कुल नहीं रखते और बास लोग रखते हैं, तो ये डिपेंड भी करता है। ये देखें व्यूअर्स,
ये घाघरे हैं अब्दुल्ला भाई के, फिर इन्होंने अब्दुल्ला भाई ने टोली उड़ाई। ये देखें व्यूअर्स, ये टोली जा रही है फाइट करने के लिए। इनकी टोली कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल सीधी जाती है फाइट करने के लिए। ये देखें यही हो चाह रहा था, हो गई कुश्ती अब्दुल्ला भाई, हो गई जबरदस्त, इसी से कुश्ती चाह रहा था। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये फाइट हो चुकी है और ये कबूतर वापस आ रहे हैं अब्दुल्ला भाई के सीधे। ये देखिए व्यूअर्स, ये फाइट फाइट हुई भी है। ये देखें व्यूअर्स, फाइट हुई है, कोई कबूतर भी लगा हुआ है। तो हमारी टीम और हम सब लोग साइड पे हो गए। ओह शिट यार, चप निकल गई। वो देखें व्यूअर्स, वो चप लगी हुई थी वो निकल गया, कितनी ज़बरदस्त चप थी, थोड़ा सा रह गया। सो व्यूअर्स, आपने देखा इस तरह से कबूतर आते हैं और निकल भी जाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगा वो। ये देखें व्यूअर्स, दोबारा से टोली उड़ी है, ये जा रही है। ये देख लो, हमारा कबूतर जा रहा है, वो नहीं घर से आगे बढ़ाते कबूतर, सही वही वही कुश्ती कराते हैं, वही फेंक लेते हैं, सही। तो आपने देखा व्यूअर, अब्दुल्ला भाई के कबूतर जा रहे हैं आगे, लेकिन वो लोग अपनी छत पे लड़ा रहे हैं। ये देखें कहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं, इस तरह भी होता है, भेज रहे हैं ना जी, वो भी तो भेज रहे हैं यार, सही। तो व्यूअर, इस तरह से कबूतरों को भेजना पड़ता, बास लोग अपनी अपनी छत पे उड़ा के लड़वा के फौरन से बिठाना चाहते हैं। ये देखें अब्दुल्ला भाई के कबूतर कितनी दूर तक जा रहे हैं। देखिए उन्होंने बिठा लिए, सही। अब ये इनके कबूतर वापस आ गए क्योंकि उन्होंने लड़वाए नहीं दूसरी पार्टी ने। देखिए व्यूअर्स, इन्होंने बिठाए बगैर दोबारा भेज दिया अपने कबूतर, यानी कि सांस भी नहीं लेने दिया कबूतरों को और दोबारा भेज दिया फाइट के लिए। और वो किस तरह से गए फौरन से लड़ने के लिए। ये देखें वो दूसरी जो पार्टी है वो दोबारा उन्होंने नीचे बिठा लिए। सो व्यूअर्स, इस तरह भी होता है,
कि कोई कोई अपनी छत छत के ऊपर ऊपर उड़ाते हैं बस, और कोई कोई दूर दूर भेजते हैं जिस तरह से अब्दुल्ला भाई ने भेजे। मसला नहीं है, सही जाएंगे, चार दफा और चले जाएंगे। सही, सो आपने देखा अब्दुल्ला भाई ने बताया कि चाहे तीन चार दफा भी भेजना चाहें चले जाएंगे, लेकिन अब वो दूसरे लोग ही अपनी अपनी छत पे उड़ा के बिठा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। वेल लेट्स सी, आपको लाइव दिखा रहे हैं ना, देख लो। सही व्यूअर, हम तो आपको दिखा रहे हैं लाइव, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये आ गए, ठंडे हो गए उनके काबली। अभी बार आपने देखा ये अब्दुल्ला भाई के कबूतर हैं। वही जो है ना वो सुन लगे आपस में लड़ा रहे हैं, कबूतर भेजूंगा फिर बिठा लेंगे, सही फिर भेजूंगा फिर बिठा लेंगे। देखो अब ये देखो कौन कुश्ती देता है कौन नहीं देता, ये सामने देख लो, मैंने तावे शुरू कर दिए। सही, और भी वही, ये देखें नाश्ता भी लेके आ गए, ये देखें नाश्ते का भी इंतजाम किया है इन्होंने। चलिए वीवो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग इस वक्त अब्दुल्ला भाई की छत के ऊपर हैं और ये इनके कबूतर हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त, और इनकी छत की लोकेशन भी कितनी ज़बरदस्त है। तो अब ये थोड़ा सा नाश्ते का ब्रेक होगा, हम लोग ये नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें। तो व्यूअर जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको अब्दुल्ला भाई की छत पर विज़िट कराएँगे, तो इस वक्त हम अब्दुल्ला भाई की छत पे हैं कलरफुल बर्ड्स की टीम, और आज आपको अब्दुल्ला भाई इस वीडियो में बताएंगे कि इसके कबूतरों के गंडे किस तरह से बनाते हैं। तो जी अब्दुल्ला भाई, आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बता देंगे। ये है काला देसी गंडेदार। सही, अब ये बिल्कुल काला है ये, अब इसको मैं जहाँ से नोच के बनाना चाहूँ ये बन जाएगा। ऐसे कोई निशानियाँ भी होती कि गंडेदार बनेगा भी ये नहीं बनेगा, हर काला नहीं गंडेदार बनता। सही, अब ये आप देखें ये छोटे गंडे जो है ना जी, अभी मैं इसके निकालना शुरू किए, ये लकीर पूरी बनेगी जैसे आपको, और कबूतर भी मैं दूसरे आपको दिखाऊंगा उसमें बने हुए हैं मेरे पास काले गंडेदार, ये देखें आप। सो व्यूअर आप देख रहे हैं कि ये अब्दुल्ला भाई किस तरह से इसके पर निकाल रहे हैं इसके गंडे बनाने के लिए। इसको कहते हैं हम छोटे गंडे कहते हैं, ये चूड़ियाँ कह लें आप, चूड़ियाँ उखड़ी हैं। अब उसके बाद इसकी बगलें भी होंगी जी, ये देखें ये इसकी ये बगल भी उसकी निकाल दी गई। सही, ये चूड़ी और बगल हो गई, ये होगा डबल गंडे कहलाएंगे। सही, ये दूसरी साइड से भी ये दूसरा शोल्डर है इसका। सही, तो भी बार आप ये देख रहे हैं ये पूरी एक क्रीज बनती जा रही है ये। ठीक, अभी ये कबूतर बंद करके गिरदान शाम वाले में आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। देखें इसके अंदर काले गंडेदार जो इसी तरीके से बने हुए हैं। सही, कुछ मैंने बनाए कुछ उस्ताद ने बनाए जी। सो व्यूअर आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई किस तरह से इसके गंडे तैयार कर रहे हैं, यानी कि गंडेदार बनेगा, और ये उस वक्त ये इसके बगल के पर खींच रहे हैं। ये निकाल लिया, अब ये सफ़ेद एक लकीर यूँ बन जाएगी और ये बगल निकल आएगी इसकी। सही, तो ये कहलाएगा डबल गंडेदार। सही, अब आप चाहें तो इसको पूरा ये शोल्डर नोच के चप बना सकते हैं। सही, पूरा शोल्डर बिल्कुल कलियों समेत आप बना सकते हो। सही, ये बीच में से सफ़ेद कली है, दो तीन कलियाँ और उखाड़ देंगे तो ये तैयार कहलाएगा। सही, आप चाहे बमना बना लें, जैसा झील करें आप इसको बना लें। सही, सो व्यूअर आपने देखा कि आपके हमारे प्रॉमिस के मुताबिक आपको अब्दुल्ला भाई ने बताया कि किस तरह से इसके गंडे तैयार किए जाते हैं। हमने हमारे व्यूअर से प्रॉमिस किया था कि हम आपको अब्दुल्ला भाई की छत पर लेके आएंगे, और इस वक्त हम अब्दुल्ला भाई की छत पर हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये अब्दुल्ला भाई के कबूतर हैं सारे,
व्यूअर्स, अब आपको पता चल गया होगा कि कबूतरों के गंडे किस तरह से बनाए जाते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि ये हर कबूतर के बन जाते हैं या कुछ खास नस्ल के कबूतर हैं? खास होते हैं। खास नस्ल के कबूतर कौन से कबूतर होते हैं जिनके बनते हैं तकरीबन? नस्लें होती हैं, इनमें शिराजी होते हैं गंडेदार। अच्छा, और रंगीन कबूतर भी गंडेदार बनता है, सबस परे जो होते हैं वो भी गंडेदार बनते हैं। सही। और कुछ अभी जैसे मेरे पास है कि इसमें जोड़ा रखा हुआ है। सही। उनके पास बच्चे निकले हुए अंदर, ये देखें अंदर चांदने निकले हुए बच्चे ये। जी हाँ, ये बैठा हुआ बच्चा, ये आप ये देख लें। सही। ये उस्ताद ने जोड़ा डाला था, अब इसके ये बच्चों का कलर देख लें। सही। ये पटैत भी बना हुआ है, ये लालबंद पटैत चांदना है, ये देखें। सही, माशाल्लाह। ये देखो। सही। दाना है, दाना होता है। हाँ, ये देख रहे हो बच्चा आप, ये जी पूरा गले ने गला इसने गोल किया हुआ है। सही। ये आप शोल्डर देखें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो व्यूअर आपने देखा ये इनके पास ये ब्रीड भी की हुई है, ये पूरा पेयर है। हाँ जी। और ये देखें कितना खूबसूरत पेयर है, ये इसके बेबीज भी निकले हुए। तो होप व्यूअर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपने कबूतरों के गंडे किस तरह से बनाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको और भी बताएंगे अभी। ये देखें जैसे कि उन्होंने वो जो आज कबूतर इनके लड़ रहे थे सुबह के टाइम, वो उन्होंने बंद कर दिए। अब ये दूसरे कबूतर खोल लिए, आपको खोल के दिखाएं कलर की वजह से, कुछ बनाने की वजह से। अब ये देखो ये लाल कबूतर, ये मैंने उखाड़ा हुआ है, देखें इसका गोल गला बनाया हुआ, ये उखाड़ा हुआ है जी। ये पकड़े सही दाना डाले व्यूअर, आप ये देख रहे हैं, ये देखें व्यूअर, ये लाल कबूतर, इसको कहते हैं लाल मुंगिया गंडेदार। अभी इसके उस्ताद ने उखाड़ के गंडे बनाए। अब ये इसका ये तावीज़ मैंने उखाड़ा हुआ है इसको, जब ये बनेगा गोल पटे थे भी ये सफ़ेद लकीर आ जाएगी यहाँ पे। एक दफ़ा उखाड़ चुका हूँ, एक दफ़ा और उखाड़ूंगा। सही। और ये यहाँ से शोल्डर भी उखाड़ा हुआ है इसका डबल गंडे के लिए, आप देख रहे होंगे उखाड़ा हुआ नज़र आ रहा है जी। एक गंडे तो आ गए हैं ये। सही। एक यहाँ से बनेगी डबल। सही। और एक ये गोल उखड़ा हुआ, ये आप देख रहे होंगे जी कि ये उखड़ा हुआ, ये सही ठीक आपको लकीर नज़र आ रही हो जी। तो व्यूअर आपने देखा कि अब्दुल्ला भाई ने दिखाया कि किस तरह से इन्होंने इसका नेक भी तैयार कर रहे हैं इसका, और इसके गंडे भी इसके डबल गंडे बना रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हम आपको आज बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने वाले हैं खूबसूरत कबूतर बनाने के लिए। आप देख रहे हो इसमें काले काले गंडेदार जी, और है जी जी और काला गंडेदार, ये है काले गंडेदार, हाँ इनकी दुमें भी सफ़ेद आ रही हैं, ये देखो ये उखाड़ी थी, ये दुम सफ़ेद आ रही है, ये पट्ठा है, ये देखें व्यूअर, ये पट्ठा इसकी दुम सफ़ेद आ रही है। ये भी उखाड़ के बनाई है, वरना ये पूरा ब्लैक था। ये और ये सारे उखड़े हैं इसमें, आप देख रहे होंगे। ये देख रहे हैं व्यूअर, इसके अंदर जितने भी कबूतर हैं ये सब तैयार कर रहे हैं अपने पास, इनके परों से आपको आइडिया हो रहा होगा। इसमें एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कबूतर, ये भी इसी तरीके से हमने उखाड़ के बनाया है। ये देखें व्यूअर, ये भी हमने उखाड़ के बनाया है। सही। जो बगल मैंने पिछले कबूतर की उखाड़ी थी वो इस तरीके से उसकी सफ़ेदी है, बगल आ जाएगी, और ये छोटे गंडे जिनको परियां कहते हैं जी, ये परियां बनी है। अब उसके बाद से यहाँ से चांद बन रहा है, ये भी उखाड़ा हुआ है। सही, ज़बरदस्त अब्दुल्ला भाई। हाँ, अब आप चाहें तो इसको यहाँ से मज़ीद और इसमें इजाफा करना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, बमना बना लें, जो दिल करे वो बना लें, पटैत बना लें। सही। हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है यार। सही। डबल गंडे हमें ज़्यादा अच्छे लगते। सही। तो व्यूअर आपने देखा कि किस तरह से कबूतरों को तैयार किया जाता है, किस तरह से कबूतरों को खूबसूरत बनाया जाता है। ये देखें, ये निकाल के भी दिखा रहे हैं आपको अब्दुल्ला भाई, ये इनके सारे रंगीन कबूतर हैं, गिरदान। सही व्यूअर, ये इनका गिरदान कबूतर है, शाम में लड़ाते हैं, ये वाली टोली जो इनकी ये शाम में लड़ती है। अभी आप एक आपको मैं नायाब कबूतर दिखा रहा हूँ, ये देखें व्यूअर, ये नायाब डबल कलर है, ये देखें। सही, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये डबल कलर है। सही। इसका नाम क्या है अब्दुल्ला भाई? इसको कहते हैं सर भातिया। भातिया। सही। तो व्यूअर ये देखें कितना नायाब कबूतर है और कितना खूबसूरत है भातिया। कलर देखें आप। सही, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह से, और इसके कलर देखें आप कितने ज़बरदस्त है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, ये आपके घर की ब्रीड है या आप? ये लिया था ये। सही, ये व्यूअर्स इन्होंने लिया है, क्योंकि कबूतर लेने के लिए भी पहचान की ज़रूरत होती है,
ये देखें कितना खूबसूरत है इसका कलर, ये देखें नीचे से भी देखें इसको, ये देखें नीचे से किस तरह का है, नीचे से भी डबल कलर है, शोल्डर भी इसका डबल कलर में जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आपने देखे दोस्तों ने मांगा बोला जब बेचो तो हमें दे दो, सही। सोबीवर आपने देखा है कितना खूबसूरत कबूतर, इसकी क्या प्राइस होगी अंदाजन? इस वक्त 5000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, 5000 मिल रहे हैं। तो व्यूअर ये देखें कितना खूबसूरत कबूतर है, इनको इस वक्त इसके 5000 मिल रहे हैं, बट ये दे रहे नहीं है क्योंकि नायाब चीज़ है ये, नायाब चीज़। 10 की डिमांड की, अच्छा इन्होंने 10 की डिमांड भी की हुई है। सो व्यूअर इन्होंने 10 की डिमांड की हुई है और वाकई ये बहुत खूबसूरत और नायाब कबूतर, लड़ाना चाहे छत से आके लड़ा के ले जाए, सही। तो व्यूअर ये इनका ना छत से लड़ता हुआ गर्दान भी है, अगर कोई लेना भी चाहे तो वो आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर ले तो फिर हम आपको अब्दुल्ला भाई के पास लेके आ जाएंगे और छत से लड़ता हुआ देख के फिर ले जाए, सही। ये देखें व्यूअर ये एक पट्टा है, ये वाइट बार का कन्वर्ट है, ये वाइट बार जो रेसर होते हैं जी जी, ये उसका क्रॉस है, सही, उसका क्रॉस बनाया हुआ ये, सही। ये देखें व्यूअर्स ये वाइट बार का क्रॉस है, ज़बरदस्त, ये देखें सही, माशाल्लाह सही। तो व्यूअर आपने देखा अब्दुल्ला भाई के कबूतर कितने प्यारे और ये कलर हो यार, वो घाघरा गंडेदार किधर है, इसके अभी पतले गंडे आ रहे हैं, घाघरा गंडेदार अभी कासनी जो है ये भी इसी तरीके से बनाया है भाई, सही। व्यूअर ये देख रहे हैं इसके अंदर ये कासनी है, कासनी डबल गंडे बना हुआ, ये जो तरीके से नोच के बनाया ये कासनी जो है ये भी इन्होंने इसी तरह से बनाया है, जो ऊपर बैठा है ये दो है, ये भी इन्होंने इसी तरह से नोच के बनाया, इसके परों को निकाल के इस तरह से बनाया है ये कासनी। सो व्यूअर्स आप भी अपने कबूतरों को खूबसूरत बना सकते हैं, ये इसमें ये घाघरा अगर चाहें जी, इसके भी जो है ना गंडे उखड़े हुए हैं, ये भी इसी तरीके से गंडेदार हो जाएगा, सही। तो व्यूअर ये देख रहे हैं इसके अंदर घाघरा जो है इसके भी गंडे अगर खींचेंगे तो इस तरह से बन सकते हैं, ये अभी इनके पास ये देख रहे हैं जैसे ये ब्लैक कलर का कबूतर बैठा हुआ है, इसके भी ये गंडे तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसके साइडों से पर निकले हुए, और ये जो उसके साथ जितने भी काले हैं सब तैयारी पर हैं, यानी कि इनके गंडे बन रहे हैं अभी, वो देखें किसी का एक पर आया हुआ है, किसी के दो पर आए हुए हैं, इन सबके जो है ये तैयारी पर हैं। ये काला वाला जो कबूतर है ये भी देखें ये भी तैयारी पर है, कासनी के बगले नहीं आए अभी। तो व्यूअर आपको वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये कबूतर किस तरह लग रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं ये भी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा, एक बगल निकली भी थी अपनी राय। ये देखें व्यूअर ये जितने ब्लैक कलर के कबूतर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे तैयार हो रहे हैं, लाल चिरा जी इसे छोटे गंडे बनाए, ये देखें जी सही, ये छोटे छोटे जो बने हुए हाँ छोटे गंडे बनाए इसके लाल चिरा जी। तो भी भाई ये देखें लाल चिरा जी जो है इसके इन्होंने छोटे छोटे गंडे बनाए, इस वाले सही। और ये काबरा भी है आपके पास है ना, ये काबरा है। तो भी भाई ये देख लें काबरा किस तरह का होता है, इसमें कितने कलर हैं खूबसूरत, और ये चप जो बनी हुई है ब्लैक और वाइट, ये ब्लैक और वाइट जो चप ये खाल है, काला खाल है, अच्छा खाल है, ये बनाया हुआ ये ओरिजिनल होता है इसका, ये ओरिजिनल होता है व्यूअर, ये जो ब्लैक एंड वाइट कलर का था अभी उड़ गया, ये इसी तरह का होता है ओरिजिनल। ये आ गया कभी कौन सा कलर ये जो ये है हाँ ये गंडेदार जो है ये जंगली कलर का सा, काला देसी कहलाता है हाँ, ये भी काले देसियों का कलर है, सही काले देसियों के निकलता है ये, सही इसको भी गंडेदार बनाया है, सही। व्यूअर ये देखें ये जो जंगली से कलर का जंगला लग रहा है इसको भी इन्होंने गंडेदार बनाया हुआ है काले देसियों का, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। तो व्यूअर ये जितने भी आप कबूतर देख रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत जिनके ऊपर ये गंडे नज़र आ रहे हैं ये सब अब्दुल्ला भाई और उनके उस्ताद ने खुद बनाए हैं, ये है ना हमारा छोटा उस्ताद, और ये अब्दुल्ला भाई हैं और उनके साथ ये उनके उस्ताद के बेटे हैं और उस्ताद भी बैठे हैं पीछे। तो इस तरह से आज हम अब्दुल्ला भाई की छत के ऊपर हैं, आप देख रहे होंगे
सो व्यूअर, आपको अब्दुल्ला भाई की छत कैसी लगी और इनके कबूतर कैसे लगे आप हमसे शेयर ज़रूर करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इनके कबूतर कैसे लगे। ये देखें, ये सारे कबूतर जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी गंडे बने हुए देख रहे हैं, सारे इन्होंने ख़ुद तैयार किए हैं और आज इन्होंने आपको तैयार करके भी बता दिए कि किस तरह से ये कबूतरों के गंडे बनाते हैं, किस तरह से उन्हें तैयार करते हैं। और आपको कबूतर भी उड़ा के दिखा दिए, देखें ऊपर तक बैठे हुए हैं कबूतर। ये देखें भैया, इन्होंने कोई कबूतर पकड़ा। हम चलते हैं अब्दुल्ला भाई के पास, इनसे पूछते हैं। ये भी, ये इसको बनाया है, ये भी एक बन रहा है गंडेदार। ये देखें बीच में से ये दैयड़ बना हुआ है ये जी। हाँ, और ये इसके गंडे में सफ़ेदी ये नज़र आ गई है ये जी, ये आ रही है सही। ये इसके गंडे आ रहे हैं ये देखें सही। जो रह गए थे वो हमने उखाड़ दिए सही। ये देखें अब ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे ये सही। तो व्यूअर, आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेदी आने लगती है और इस तरह से उखाड़ उखाड़ के इसको बना के ये निशान आ गया। ये देखें निशान आ रहे हैं इसके ऊपर, ये इसके ये बाजू हो गए बीच में से सफ़ेद हो गए सही। तो अब ये उड़ता हुआ किस कदर लाइट दिखाएगा ये सही। हाँ ये देखें सही। तो ये देखा व्यूअर आपने, अब्दुल्ला भाई ने आपको दिखाया कि किस तरह से गंडे बन रहे हैं इसके। हर कबूतर के आपको इजीली बना के दिखाया बताया है ताकि हमारे व्यूवर्स जितने भी हैं देखने वाले उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो इजीली देख सकें कि किस तरह से कबूतरों के गंडे तैयार किए जाते हैं। तो आए हुए नहीं, नहीं थैंक यू। देखें आप अब्दुल्ला भाई चाय की भी ऑफर कर रहे हैं जी। ये सफ़ेद गंडों का घाघरा आप देख रहे हैं सही जी व्यूअर, ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद गंडों का घाघरा है। ये नस्ल भी हम बना रहे हैं, खुद से तैयार कर रहे हैं, घर की ब्रीड बना रहे हैं सही। तो व्यूअर आप, दो पट्टे बने हैं अभी सही। तो व्यूअर आप ये देख रहे हैं, ये सफ़ेद गंडों का घाघरा है और ये घर की ब्रीड ये तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें व्यूअर, ये खुद से इसको तैयार कर रहे हैं और ख़ुद से इसका कलर इन्होंने दिया है, बना रहे हैं सही। ये अब्दुल्ला भाई, इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज कितनी होगी? एक साल, साल हो गया। एक साल का सही। तो व्यूअर ये देखें, ये तकरीबन एक साल का है और ये अभी तैयारी पर है, इसके गंडे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से सही। सफ़ेद गंडों का घाघरा कहलाएगा ये, सफ़ेद गंडों का घाघरा बनेगा। तो इसको फिर ये आज नई ब्रीड हम बना रहे हैं सफ़ेद गंडों के घाघरों सही। सो व्यूअर, आपने देखा जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने आपको बताया कि नई ब्रीड बना रहे हैं सफ़ेद गंडों के घाघरों की, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो व्यूअर, अगर आपको टिप्स पसंद आ रही हो तो आप ज़रूर शेयर ज़रूर करिएगा हमारे साथ सही। चल, और ये एक मुकर्रर साइज़ होता है, बस यहाँ तक इसको उखाड़ा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये इधर से क्या बन जाएगा अब्दुल्ला भाई? ये यहाँ से सफ़ेद बमना कहते हैं इसको, बमना कहते हैं। पूरी इस कान से उस कान तक सफ़ेद हो जाएगी, बमना कहलाएगा, हार बन जाएगा सही। अच्छा अब्दुल्ला भाई जी, ये कितनी बार उखाड़ने पड़ेंगे इसके इस तरह से? कम से कम दो से तीन दफ़ा। दो से तीन दफ़ा जी सही। सो व्यूअर, आप ये देख रहे हैं इस वक्त अब्दुल्ला भाई आपको बना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से उसके पर निकालने पड़ते हैं, उससे फिर इधर वाइट कलर आ जाएगा। ये जहाँ जहाँ से आप पर निकालने वहाँ वहाँ से वाइट हो जाएगा है ना जी? हाँ, और जब पर आ जाएंगे पर आने के बाद फिर वापस वहीं से ही दोबारा निकालने के सही।
आपको याद रहना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ से कितने पर इसके आपने निकाले हैं। सही। वो ये इसमें देख रहे हैं एक सफ़ेद बाल आया हुआ है। जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसकी दुम भी ज़रा दोबारा दिखा देंगे, दुम कैसी निकाली थी आपने और इसके? ये देखें अभी ये नीचे से निकल गया है, ये अभी इसकी जगह सारी सफ़ेद हो जाएगी, ये बमना कहलाता है। सही। सो व्यूअर, आपने देखा जिस तरह से इसके पर निकाले गए, ये यहाँ से वाइट हो जाएगा, तो ये खूबसूरत इस तरह से इसमें कलर आ जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसको यहाँ से निकाल दिया गया है, जहाँ जहाँ इसके पर नहीं है अब यहाँ से वाइट आने लगेंगे, दो यहाँ से सफ़ेद बनेगा, इसके ये छोटे गंडे बनेंगे, ये बगलें बनेंगे और इसकी दुम निकाली गई है पूरी। ये देखें व्यूअर्स, इसकी दुम निकाली हुई है पूरी, ये मैदुम गंडेदार हो जाएगा, ये मैदुम गंडेदार। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि अब्दुल्ला भाई ने आपको बताया कि किस तरह से कबूतर को गंडेदार और उसकी नेक के ऊपर जो खूबसूरती आती है गलों के ऊपर वो बनाया जाता है। तो जितने भी आप कबूतर देख रहे हैं अब्दुल्ला भाई की छत के ऊपर इस वक्त, ये सारे जो हैं इन्होंने इसकी जो है बनाए हुए हैं ये सारे। ये देखें कितना खूबसूरत खूबसूरत कबूतर हैं, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ब्लैक, इसको भी इन्होंने इसी तरह तैयार किया हुआ है गंडे बना के। और ये जितने भी ब्लैक कबूतर देख रहे हैं और ये जो ऊपर बैठा हुआ है ग्रे, उसके ऊपर भी वाइट कलर के गंडे देख रहे हैं, ये भी इन्होंने खुद से तैयार किया हुआ है। तो ये सब जैसे वो ब्राउन कलर का कबूतर देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर बैठा है इसकी देखें नेक जो है वो खींची हुई है, उसके पर खींचे हुए नेक से। अब जैसे इसके पर आएंगे तो वो वहाँ से वाइट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे वाइट हार पहनाया हुआ है। तो व्यूअर, आपको वीडियो कैसी लग रही है हमारी, आप हमें से शेयर ज़रूर करिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर। ये इनका और भी चाल है, ये देखें व्यूअर, ये अब्दुल्ला भाई के और भी थोड़े से कबूतर हैं, तो हम लोग यहाँ पर हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये उसी काले देसियों के बच्चे निकले जो आपको मैंने दिखाया था ना वो। जी काला नर। जी तो व्यूअर, ये देखें काले देसियों के बच्चे निकले हुए, कितने इनके काले काले बाल आ रहे हैं, देखें कितने खूबसूरत इनके काले काले बाल आ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। सही, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। सही, माशाल्लाह से। तो व्यूअर, आप देख के अंडे तोड़ाए थे, अंडे? सही, जोड़े के नीचे अंडे रखे। सही। तो व्यूअर, ये जैसे अच्छे कबूतरों के जो अंडे होते हैं वो किसी दूसरे कबूतरों के नीचे भी रख के इस तरह से बच्चे निकलवाते हैं इनके। ये इनका पूरा सेटअप है, ये यहाँ पर कुछ इन्होंने काबली भी रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अंडे दौड़ाने वाले पुराने दाई जोड़े जिनको कहते हैं ना, जिनके नीचे अंडे रख दो अंडे भी सह लेते हैं, बच्चे रख दो बच्चे भरा लेते हैं। सही, ये वो जोड़े हमने यहाँ बना के छोड़े हैं। सही, ये भी समझो पुराने गर्दान है, सब लड़े हुए हैं। सही। सो व्यूअर, ये जैसे आप कबूतर देख रहे हैं ये सिर्फ इन्होंने इस वजह से रखे हुए हैं, जैसे इनके टोली के जो अच्छे कबूतर नस्ल वाले हैं वो अंडे देते हैं तो वो इनके नीचे रख देते हैं, जिससे फिर ये बच्चे निकलवा लेते हैं उनसे। ये पुराने वाले दाई जोड़े हैं, इनके नीचे जब दिल करे बच्चे रख दो ये बच्चे भी भराते हैं। सही, यानी दूसरे कबूतरों के बच्चे रख दें तो वो भी भरवा लेते हैं, भरा लेते हैं। सही, ये वो दाई जोड़े। सही, माशाल्लाह, ये इसी तरह अंदर रहते हैं। सही। तो व्यूअर, आपने देखा है इनके दाई जोड़े थे और ये हम अब्दुल्ला भाई की छत के ऊपर हैं, ये अब्दुल्ला भाई की छत है, ये सारे इनके कबूतर घूम रहे हैं। और चले मैं अब आपको इनके थोड़े से पेड़ दिखा दूं जिन्होंने बच्चे भी निकाले हुए हैं या जिन्होंने जोड़े में डाले हुए, जैसे ये है। बोल दे, ये कौन सा जोड़ा है अब्दुल्ला भाई? ये कौन सा जोड़ा है? ये घाघरों का जोड़ा है। ये घाघरों का जोड़ा है। हाँ, वो मादी अंदर अंडों पर बैठी हुई है, बच्चे निकले हुए उसके। सही, जबरदस्त। नहीं नहीं, एक एक निकला बच्चा, एक अभी अंडा अंडे में है बच्चा। सही व्यूअर्स, जैसा आप देख रहे हैं ये मादी है घाघरों की, अंडों पे बैठी है और ये इसका नाम है। और ये पेयर तो आपको पहले अभी अब्दुल्ला भाई ने दिखाया था, दिखाया। और ये कबूतरी लगी है, ये इसके साथ कबूतरी है।
आपको मैंने पहले बच्चे भी दिखाए थे जी। तो व्यूअर देख रहे हैं, इन्होंने ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, ये साथ साथ उड़ाते भी हैं। शौक होता है, शौक का कोई मोल नहीं है। और एक से एक इन्होंने जोड़े डाले हैं, ये देखें, ये भी नीचे जोड़ा है, ये है सबस पटाए थे, ये देखें, ये सबस पटायत का जोड़ा है, ये सही, ये नर है, ये मादी है, भी बच्चे नीचे निकले हैं, सही, ये उसकी मादा है, ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटे से बच्चे निकले हैं, सही, छोटा बच्चा। ओ व्यूअर ये देखें कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, हाँ माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं अब्दुल्ला भाई, सही है, रख दें, डर लग रहा है मुझे तो देख के, सही माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक जिंदगी सेहत दें इनको। और ये नीचे भी एक प्यार है, ये समझे बस, ये दाई जोड़ा है, सही, इसके नीचे भी हम लोग अंडे दौड़ाते हैं, सही व्यूअर, ये जोड़ा भी इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि जैसे इनके अच्छे गोला कबूतर जो दे। कबूतर अंडे दे देते हैं ना, लड़ते हुए कबूतरों का भी अंडे आ जाते हैं, सही, तो अंडे इनके नीचे लगा देते हैं, सही। सो व्यूअर होप आपने सुना होगा, अब्दुल्ला भाई ने बताया कि किस लिए इन्होंने ये जोड़ा रखा हुआ है, ये अब्दुल्ला भाई की छत है। और ये देखें इनके कबूतर हैं, तो व्यूअर आज हम आप लोगों की फरमाइश के ऊपर अब्दुल्ला भाई के पास आए थे, होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी अब्दुल्ला भाई जी। चलें, ये हम आपके पास आए व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर, और आप लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, और माशाल्लाह कबूतर भी दिखाया आपने, और हमें बहुत पसंद आया, आपने टिप्स भी बताएं कि किस तरह से कबूतरों को खूबसूरत बनाया जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके जी, ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।